हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जैसे हमारे विंडो पे पासवर्ड लग जाता है और हम भूल जाते हैं तो उसको कैसे रिमूव किया जाए। इसके लिए हमें चाहिए एक ERD सॉफ्टवेयर की CD, ठीक है। ये आपको नेट से या फिर मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। हमने वो CD अपने सिस्टम में डाल रखी है ऑलरेडी। हमें अपना सिस्टम अब रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद जो हमने CD डाल रखी सॉफ्टवेयर की, उसी से बूट कराना हमने अपना सिस्टम। ये मैंने स्टार्ट करा दिया है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ये ERD के सॉफ्टवेयर से बूट हो रहा है। इसमें 1-2 मिनट ही लगेगी। ये हमारा लगभग सॉफ्टवेयर बूट होने को है। ये सॉफ्टवेयर लगभग आपको इंटरनेट से 100-150 MB के बीच में आपको मिल जाएगा। इससे आप लगभग सभी विंडो XP 8, 7, 10 सभी के पासवर्ड रिमूव आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे हमने ओके करना है। ये हमारा अब सिस्टम ओपन हो गया है ERD कमांडर के थ्रू, ठीक है। अब हमें स्टार्ट पे जाना है, ठीक है। अब हमें जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे, ठीक है। अब जाना है हमें लॉक स्मिथ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है, कौन से अकाउंट का चेंज करना है हमने, ठीक है। हमारे पास और कोई तो है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर है मेन अकाउंट, ठीक है। इसका पासवर्ड हम नया डाल देते हैं, 123, ठीक है। इसका भी 123 डाल देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश, ठीक है। अब आपको अपना सिस्टम है वो रिस्टार्ट कर देना है। आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। रिस्टार्ट, ये हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमने इससे पहले अपनी CD निकाल लेनी है, नहीं तो दोबारा से सिस्टम बूट हो जाएगा। अब दोबारा से पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। हमने जो पासवर्ड चेंज किया 123 डाला अब की बार, ठीक है, वही पासवर्ड अब आपको यहाँ पे डालना 123, ठीक है, और ओके कर देना है। अब आपका पासवर्ड बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड शेयर। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज आगे भी हम ऐसी वीडियो लाने वाले हैं।